हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मोस्ट वेलकम। तो आज आपका भाई आप लोगों के बीच एक ऐसे साउथ मूवी का एक्सप्लेन करने आ गया जिसका नाम ट्रिपल आर है, जो काफ़ी दमदार है। ट्रिपल आर मूवी में रामचरण, NTR जूनियर, रामा राव, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे पॉपुलर कास्ट ने अपना जलवा बिखेरा है। ट्रिपल आर मूवी में देशभक्ति की भावना से भरा पूरा है। यह देश के क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर बनाई गई है। इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह फिल्म लगभग देश की सभी भाषाओं में रिलीज की गई है। इस मूवी का डायरेक्टर SS रामाराज मौली है। मूवी के शुरुआती दौर में दिखाया जाता है कि आदिलाबाद जंगल के बीच फिरंगियों की रानी गोंडा जाति के बीच बैठकर एक प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की से अपना हाथों पर मेहंदी लगवा रही होती है। उस प्यारी गुड़िया का नाम मल्ली होता है। मल्ली की कलाकारी को देखकर ब्रिटिश की महारानी प्रभावित हो जाती है और मल्ली को अपने घर दिल्ली ले जाने की बात करती है। एनुए नाम का ब्रिटिश अधिकारी दो सिक्के को मल्ली के माता पिता के सामने फेंक देता है। वो लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी मल्ली की कलाकारी को देखकर ये दो सिक्के हमें इनाम के तौर पर दिए गए हैं, और ये सोचकर उसकी माँ उन दोनों सिक्के को उठा लेती है। तभी मल्ली को पकड़कर ब्रिटिश की महारानी अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगती है। तब उसके माँ उसे छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग मल्ली को नहीं छोड़ते हैं और मल्ली के माँ को लकड़ी के एक टुकड़े से ब्रिटिश अधिकारी मारता है तो वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ब्रिटिश सरकार मल्ली को लेकर अपने घर दिल्ली चल देते हैं। उसके बाद के सीन को कट करके दिखाया जाता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग ब्रिटिश थाने के पास आकर उन लोगों को विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के नेता लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश के अधिकारी रामचरण का आगमन होता है। वो उन लोगों के भीड़ में जाकर अकेले उन सबों को मारता है और उन आंदोलनकारियों के मुखिया को पकड़ कर लेकर आता है और जेल में बंद करके जब रामचरण उन क्रांतिकारियों के सामने आता है तो वो लोग सहम जाते हैं। राम के डर से वो लोग वहां से चल देते हैं। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि ब्रिटिश प्रेक्स दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारियों की बहादुरी को देखकर उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन वहाँ पर राम को पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जिससे बेचारा उदास हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, जिससे वह बेचैन हो जाता है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि निजाम के सबसे बड़ा सलाहकार वेंकट अवधानी एक ब्रिटिश अधिकारी के पास मल्ली को वहाँ से छुड़ाने की बात करने आता है, लेकिन अंग्रेज लोग उनका बात नहीं मानता है। वो आदमी वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद दिल्ली के आउटसाइड जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ मल्ली की खोज में उसका भाई भीम को दिखाया जाता है। भीम को खदेड़ता हुआ एक बाघ आता है, लेकिन बाघ जाल में फंस जाता है। फिर भी जाल की रस्सी टूट जाती है तो भीम उस पर बेहोश होने वाला दवा फेंक देता है, जिससे बाघ बेहोश हो जाता है। उसके बाद भीम एक गांव में एक मुस्लिम परिवार में अख्तर बनकर रहता था। वहां मैकेनिक का काम करता था। जब एक अंग्रेज अधिकारी का बाइक चालू नहीं हो रहा था तो अख्तर को बुलाकर उसे ठीक करने के लिए बोलता है। अब जब अख्तर बाइक को चालू करता है तो उस अधिकारी की बीवी हंसने लगती है, जिससे उस अधिकारी को अपने आप पर लज्जा महसूस होता है और अख्तर को मारने लगता है और उसे मार पीट कर वहाँ से अधिकारी चल देता है। तो अख्तर के अब्बा जान उसे कहता है कि तुमने उसे क्यों पिटाया और मार खाते रह गया। तो अख्तर कहता है कि अगर हमारी सच्चाई अंग्रेज लोग जान जाएंगे तो उससे आप लोगों का खतरा है। अब्बा जान और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर से सीन कट करके दिखाया जाता है कि दिल्ली के असेंबली हॉल में ब्रिटिश की महारानी शर्त रखती है कि जो पुलिस अधिकारी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा उसी को स्पेशल ऑफिसर का पद दिया जाएगा। तभी वहाँ पर राम आता है तो ब्रिटिश महारानी कहती है कि अगर तुम दिल्ली में घूम रहे उस शिकारी को ढूंढ लोगे जो हमारे लिए खतरा बना हुआ है तो तुम्हें स्पेशल ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को राम स्वीकार कर लेता है और उसे खोजने दिल्ली की गलियारों में चल देता है। जब अख्तर का एक आदमी मजदूरी करने के लिए एक लाइन में खड़ा होता है और उसके पास मजदूरी करने का ID नहीं होता है तो जिसके कारण अंग्रेज अधिकारी उसे बहुत पीटता है। तभी वहां पर अंग्रेज की मैम साहब जेनी आती है और उस मजदूर को बचा लेती है। वह मजदूर आदमी अख्तर के पास जाता है। अख्तर उन लोगों से कहता है कि लगता है उस अंग्रेज मैडम में हमदर्दी है और उसके जरिए ही हम लोग मल्ली तक जा सकते हैं। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि देश के क्रांतिकारियों का सभा हो रही होती है, जहां अंग्रेज ऑफिसर राम मौजूद होता है। वो लोग अंग्रेज के चीफ स्कॉट और किंग जॉर्ज को मारने की बात करता है। तभी वहां पर लच्छू नाम का आदमी आता है और राम से कहता है कि क्या सच में स्कॉट को मारना आसान है, उसने हम पर बहुत जुर्म किया है। राम उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम लच्छू बता कर दोनों वहाँ से चल देते हैं।
जब लच्छू अपने भाई से राम को मिलाने जा रहा होता है तो बीच में सड़क पर आने जाने का रोक लगा रहता है। उस सड़क के पार वही लोग जा सकते हैं जो अंग्रेज के आदमी हैं। राम एक अंग्रेज अधिकारी को अपने बारे में बताता है। वह अधिकारी राम को सलामी देता है तो लच्छू समझ जाता है कि यह आदमी अंग्रेज के पुलिस अधिकारी है। वह वहाँ से भाग जाता है तो राम लच्छू को पकड़ने के लिए खदेड़ता है। राम लच्छू का पीछा करते हुए गोदावरी नदी के पुल पर आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि भीम यानी कि अख्तर एक लड़का को मछली पकड़कर लाने के लिए एक आना रुपया देता है। लड़का नाव लेकर नदी में चला जाता है। तभी वहां भागता हुआ लच्छू आता है। वह अपनी सारी बीती बातों को बताता है। अख्तर लच्छू को एक ऐसे स्थान पर छुप जाने के लिए बोलता है जहाँ कोई पक्षी भी चहचहाती नहीं है। जब वह छोटा लड़का नदी में मछली पकड़ रहा होता है तो देखता है कि ओवर ब्रिज पर आ रही ट्रेन में आग लगी हुई है और ट्रेन का डब्बा टूटकर नदी में गिर जाता है, जिससे उस लड़के का नाव उलट जाता है। उस उल्टे हुए नाव पर चढ़कर वह बचाव बचाव का शोर मचाता है। जब अख्तर ब्रिज के ऊपर देखता है तो उसे कोई इशारा कर रहा होता है और उस बच्चे को बचाने की बात कर रहा था। भीम दौड़कर अपने बाइक पर चढ़ता है तो इधर राम एक टांगे से रस्सी निकालकर घोड़ा पर चढ़कर जाता है। दोनों आमने सामने मिलता है, फिर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कूद जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। फिर दोनों नदी में रस्सी को खोलकर कूद जाता है और बच्चे को लेकर उसके माता पिता को दे देता है। राम और अख्तार मिलकर मटका फोड़ता है। इधर राम लच्छू को खोजने में लगा रहता है तो अख्तार अपनी बहन मल्लिक को। राम और अख्तर में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ बहुत मौज मस्ती खेल कूद करते हैं। जब राम और अख्तार बाइक पर कहीं जा रहा होता है तो अख्तार कहता है कि भाई इस कागज़ में क्या है। राम कहता है यार ये लपता है। तब अख्तार बोलता है भाई मुझे भी दिखाओ, अगर वह यहाँ का रहेगा तो मैं इसे ज़रूर पहचान जाऊँगा। तो राम उस फोटो को अख्तार को दिखाने लगता है लेकिन अख्तार नहीं देख पाता है और वह फोटो उड़कर कीचड़ में चला जाता है, जिससे वह फोटो गंदा हो जाता है और उस फोटो को राम अख्तार को नहीं दिखा पाता है। जब अख्तार बाइक खड़ा करके जेनी को देखता है तो राम कहता है कि ये लड़की सुंदर है। तो अख्तार कहता है हाँ भाई। फिर राम बोलता है पसंद है। तो अख्तार कहता है हाँ भाई। तो फिर राम कहता है चलो मैं तुमसे उसकी बातें करवाता हूँ। राम एक दुकान से ढेर सारी की ले लेता है और जेनी की गाड़ी को आते देख रोड पर किल को फेंक देता है, जिससे जेनी की गाड़ी का चक्का पंचर हो जाता है। जेनी उन दोनों से मदद मांगती है। तब अख्तार जेनी को अपनी बाइक पर बैठाकर उसको शॉपिंग करवाता है और अपनी बहन मलिक के लिए एक जोड़ी मोटी पीले रंग की चूड़ी देता है। जब जेनी अपने घर जाने वाली होती है तो अख्तार को जेनी इन्विटेशन कार्ड देती है और पार्टी में आने के लिए बोलती है। फिर वहाँ से जेनी अपने घर चल देती है। जब जेनी अपने घर जाती है और उस मोटी पीले रंग की चूड़ी मल्लिक को देती है तो मल्लिक खुश हो जाती है और जेनी के गले लग जाती है। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि राम और अख्तार दोनों आपस में बातें करता है और दोनों जेनी के घर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जेनी दोनों को पार्टी में आते हुए देखता है तो जेनी स्वयं जाकर उन दोनों को वेलकम करते हैं और अख्तर को पार्टी में डांस करने के लिए ले जाता है तो दोनों साथ मिलकर डांस करता है। जब अख्तर और जेनी डांस कर रहा होता है तो अख्तर गिर जाता है, जिससे वहां पर उसकी बहुत बेइज्जती होता है। यह देखकर राम को रहा नहीं जाता है। राम अख्तर को साथ देता है। फिर दोनों जमकर डांस करके उस पार्टी का माहौल ही बदल देता है। ट्रिपल आर मूवी का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटा को दबा दें और पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।